सो मेरे पास लिव लॉन्ग का प्रोटीन शेकर है, ये 700 ml का आता है और इसमें मार्किंग्स है, आप मार्किंग देख सकते हैं, 100 ml, 200, 3 और बाजू में ये आउंसेस में है। तो मैं इसमें एक स्कूप प्रोटीन मिक्स करके शेक करके आपको बताता हूँ कि ये लीक हो रहा है कि नहीं, और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, 130 का आता है अमेजोन से, मैं इसका लिंक नीचे डाल दूँगा जिसको ख़रीदना है। मैं मसल ब्रेस का प्रोटीन यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं, सिंपली 250 ml पानी डालना है। बहुत लोगों को अगर ज़्यादा पतला करना है तो इससे ज़्यादा डालते हैं, बट मुझे मसल ब्रेस का फ्लेवर बहुत ही स्वीट लगता है, तो मैं 250 ml वाटर डालता हूँ, और अगर इससे कम डालूँगा तो वो ड्रिंकेबल रहेगा ही नहीं। दैट्स इट, 250 ml। तो इसका ये जो लिड है उसमें एक हैंग करने के लिए भी एक दिया हुआ है, बहुत बहुत लोग पूछते हैं कि वो अंदर का जो स्टील वाला मेटल बॉल है वो क्या है। वो बेसिक के लिए मिक्स करने के लिए होता है, क्योंकि आप देखोगे आप इसे नॉर्मली किसी बॉटल में शेक करोगे बिना किसी टाइप का मैश या स्टील बॉल डाले तो वो मिक्स होगा ही नहीं, उसमें लम्स फॉर्म हो जाएंगे। तो काफ़ी अच्छे से शेक कर लिया, अब मैं इसको नीचे देखे कहीं से भी लीक नहीं हो रहा, अभी अगर लीक होना होता तो कब का गिर गया होता। साबुत से बहुत अच्छा है, मैं इसे ग्लास में पोर करके आपको शो करता हूँ। तो इसमें एज सच तो लम्स नहीं बने, अगर मैं इसे और 5-10 सेकेंड ज़्यादा शेक करता तो ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे ये भी चले जाते। मोस्टली ये जो वाइट वाइट दिख रहे हैं आपको, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और जो स्टेबलाइजर्स डालते हैं ना वो रहता है। वही प्रोटीन तो मिक्स हो चुका है इसमें।